हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर। एंड एज वी कैन सी टुडेज टॉपिक इज पजल टेस्ट। अब पजल टेस्ट बच्चों एक नहीं है। अगर हम पजल टेस्ट की बात करते हैं फॉर बैंकिंग फॉर कैट, पजल टेस्ट बहुत लंबा एक टॉपिक है। उस पे किस वे से हम लोग काम करते हैं, मैं टाइप 1, 2, 3 के हिसाब से चलूँगा। मीन्स पहले क्या कराऊंगा, आप लोगों को चार टाइप के ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि देखो पजल टेस्ट में होता क्या है, मैं एक आपके माइंड सेट बना देता हूँ। जो पजल टेस्ट है बच्चों, उसमें एक आते हैं चार्ट टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे चार्ट्स बने होते हैं, सेकंड आते हैं आपके सर्कल, थर्ड वन आपके आएंगे सेल्समैन प्रॉब्लम, ये भी आजकल काफ़ी आने लग गया प्लेसमेंट वगैरह में, नेक्स्ट आता है ब्लड रिलेशन पजल, और नेक्स्ट आता है बच्चों मिक्स टाइप। तो ये आपके क्या रहते हैं, ये फाइव टाइप से जो है पजल टेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पांच वे हैं आपके। तो सबसे पहले आता है आपका चार्ट टाइप, राइट, जो आज हम करेंगे। आज हम चार्ट टाइप स्टार्ट करें, दिस इज चार्ट टाइप। अब जब चार्ट टाइप की बात होती है तो बच्चों यहाँ पे भी क्या रहता है, यहाँ पे भी टाइप्स बनते हैं। यहाँ पे पहला टाइप आता है आपका, यहाँ पे दिस इज फर्स्ट टाइप, जहाँ पे सिर्फ टू एलिमेंट्स गिवन हो, दिस इज फोर टू एलिमेंट्स, वेन वी हैव गिवन टू एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका टाइप यहाँ पे, वेन टू एलिमेंट्स तो हों बट इंफो इज नॉट कंप्लीट। अब दो एलिमेंट तो गिवन है बट इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तीसरा होता है मोर देन टू एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट्स, राइट, एलिमेंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली ये तीन टाइप रहते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, इन पजल टेस्ट के चार्ट टाइप में, राइट। मैंने बताए आपको पांच टाइप, तो यहाँ पे मैं सिर्फ चार टाइप आज स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले सात आठ जो वीडियोज होंगे वो क्या रहेंगे, आपके चार टाइप के बेस पे रहेंगे। मैं एक एक टाइप कराता रहूंगा और उसका एग्जांपल कराता रहूंगा। सेम मैं ऐसे ही सर्कल पिक करूंगा, उसके टाइप्स कवर करूंगा, एंड सो ऑन, ऐसे हम आगे आगे मूव करते रहेंगे। चलो ठीक है बच्चों, आज का जो काम है अपना वो चार्ट टाइप स्टार्ट करना है। लेट से चार्ट बनता कैसे, जिसको टेबल फॉर्म भी बोलते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। एज वी कैन सी, मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे करने का वे क्या रहता है, पहला स्टेप बच्चों क्या रहता है, फास्टली अपने क्वेश्चन को पढ़ना है और एनालाइज करना है। आपको 20 to 30 सेकेंड में फुल क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो बहुत छोटा सा है तो आप 10 सेकेंड में पढ़ लोगे, बट इससे ज़्यादा बड़ी लाइंस का भी आ सकता है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें क्या करना है, आपने डिसाइड करना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन, लाइक रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, राइट। यहाँ पे दो एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, एक तो आपके नेम्स आ रहे हैं, दूसरा वो गेम्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, ऑलवेज आपने चार्ट बनाते हुए आप क्या करना है, जैसे ही आपको ये पता लगता है कि ये टेबल टाइप या चार्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो ट्राई करो ऑलवेज जो नेम्स हैं वो ऊपर लिखने हैं। यहाँ पे नेम्स लिखने हैं, यहाँ पे आपके जो गेम्स वगैरह जो भी आएंगे, गेम्स हो या अदर कैटेगरीज कुछ भी आता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे। लाइक वी हैव नेम रवि एंड कुणाल, पूरा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के नेम सेलेक्ट नहीं करने, एक लाइन जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लिख लो। रवि एंड कुणाल, पहला नाम मेरे पास आया है रवि, सेकंड आया कुणाल, ठीक है बच्चों, यहाँ तक का काम डन। आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, वो दोनों गुड हैं किसमें, एक तो हॉकी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट है वॉलीबॉल, ठीक है जी। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है बच्चों, यहाँ पे ऐसे कुछ साथ के साथ ये चीजें आपने कंप्लीट करनी है। और कंप्लीट करने के बाद टिक कर लेना, कैसे कि यहाँ पे ये दोनों गुड किसमें थे, ये भी गुड है इसमें, ये भी है, ये भी है, ये भी, दोनों पे मैंने टिक कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों वो, चलो जी, सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, नेक्स्ट नेम आया सचिन एंड रवि, राइट, रवि यहाँ पे भी आ चुका आपका, एक सचिन एक्स्ट्रा नाम आया सचिन, अब और ये गुड किस में है, हॉकी एंड बेसबॉल, बेसबॉल एक एक्स्ट्रा नाम आया, मैं बेसबॉल यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे उसने गुड बोला है तो मैं अलग पेन यूज करके
एक तो यहाँ पे तो इस पे टिक कर दूँ, बेसबॉल में ये भी गुड है, ये भी गुड है, ये ऑलरेडी था तो मैंने उसको टच नहीं किया, और ये सीक्वेंस कंप्लीट कर ले। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते, गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो बच्चों नेक्स्ट क्या आया, गौरव एंड कुणाल, वी हैव गौरव, दिस इज गौरव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, गौरव एंड कुणाल, कुणाल ऑलरेडी दे रहे हैं तो मैंने कुणाल के बारे में दोबारा बात नहीं करनी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में गुड है, तो एक एक्स्ट्रा नाम आया क्रिकेट, वॉलीबॉल ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं गुड के लिए टिक कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। अगर आप टिक करोगे तो गौरव किस में गुड है, दिस इज क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, गौरव जो है वॉलीबॉल में गुड है, क्रिकेट में गुड है। अब सेम कुणाल भी इन दोनों में गुड है, तो कुणाल वॉलीबॉल में ऑलरेडी था, अब वो क्रिकेट में भी गुड है, तो उसके क्रिकेट पे भी टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सचिन, गौरव एंड माइकल। चलो जी, एक नाम और आया है आपका, ये भी लिख लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे डाल लिया मैंने, और दे आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल, फुटबॉल एंड बेसबॉल में माइकल, सॉरी यहाँ पे डालना है दिस इज माइकल, और यहाँ पे डालना है आपने फुटबॉल, दिस इज फुटबॉल, राइट। ठीक है, दे आर गुड इन इन दिस थिंग। ठीक है, कौन कौन गुड है जी, माइकल गुड है किसमें, एक तो हो गया आपका फुटबॉल में, एक आपका बेसबॉल में, एक हो गया आपका बेसबॉल में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं, और गुड कौन था आपका, गौरव, गौरव भी इन दोनों में होना चाहिए, अब गौरव इन दोनों में होना चाहिए तो गौरव के इन दोनों पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट गुड कौन था आपका, सचिन, सचिन भी इन दोनों में गुड होना चाहिए, यहाँ पे है आपका सचिन, सचिन ऑलरेडी बेसबॉल में है, सचिन का क्रिकेट भी हम यहाँ पे, और सॉरी फुटबॉल भी यहाँ पे हम गुड कर देते हैं, ये हो गया सचिन का फुटबॉल। ठीक है, होपफुली आपको ये चार्ट आप समझ आ गया होगा, ये चार्ट आपका बन चुका है, इसके हिसाब से हमने अब आंसर्स देने हैं। चलो जी, आंसर देखते हैं, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, हु इज गुड इन हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल, हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल में कौन गुड है, दिस इज हॉकी, ये रहा जी दिस इज हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल, इनमें वॉलीबॉल क्रिकेट इन तीन में मुझे गुड चाहिए, तो आई थिंक दिस इज कुणाल, कुणाल जो है इन तीनों में गुड है, और कोई भी इन तीनों में गुड नहीं है, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या दूंगा बच्चों, कुणाल, तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या रह गया है यहाँ पे, कुणाल इज योर आंसर। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज गुड इन बेसबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल, चार गेम में, चार गेम में एक लौता ही है बच्चों, चार गेम में गुड देखना है मैंने, तो फोर गेम्स लाइन में जो होंगे जिसके भी, तो चार गेम में कौन गुड है बच्चों, गौरव ही चार गेम में, 1 2 3 4, और किसी के भी यहाँ पे आपको चार ऐसे नजर नहीं आएंगे, ऐसे चार देखो किसी के भी नहीं है, तो दिस इज गौरव, तो आंसर रह जाता है आपका गौरव के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ही सेइंग हु इज गुड इन बेसबॉल वॉलीबॉल एंड हॉकी, बेसबॉल वॉलीबॉल एंड हॉकी, तो बच्चों ये क्या था आपका, दिस इज बेसबॉल, बेसबॉल वॉलीबॉल एंड हॉकी, पहले तीन में बच्चों, तो बेसबॉल में ये है, वॉलीबॉल में भी ये है, हॉकी में भी ये है, तो बात किसके बारे में हो रही है, दिस इज रवि, तो आंसर क्या रह जाएगा बच्चों आपका, रवि यहाँ पे आंसर रह जाएगा। तो इस वे से बच्चों तीन से चार कई बारी पांच क्वेश्चन भी होते हैं एक टेबल के ऊपर, तो आपने देखा मैंने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ पे अब दो एलिमेंट जैसे ही मिलते हैं, तो एक एलिमेंट दिस इज वन एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखना है, और सेकंड सेकंड एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखना है, बस दो एलिमेंट है, राइट रॉन्ग जो नहीं है आप अपने हिसाब से राइट रॉन्ग वहाँ पे लगा सकते हैं, और जस्ट आपने अपना आंसर फॉर्मेट करना है यहाँ पे, जिसके हिसाब से हम सभी आंसर्स दे सकते हैं, अगर यहाँ पे और भी क्वेश्चन होते मैं उनके भी आंसर दे पाता उसी टेबल को यूज करके या उसी चार्ट को यूज करके, तो ये इट्स वेरी सिंपल, आपने सिर्फ एक टेबल बनाना है, ट्राई करो 2 to 3 मिनट्स आप टेबल को दे पाओ, 3 मिनट्स में भी आपका टेबल अगर बन जाता है इट्स वेरी गुड, क्योंकि उसके ऊपर आपने चार क्वेश्चन आएंगे, चार से पांच क्वेश्चन आपके रहेंगे, अगर 4 मिनट में आपके पांच क्वेश्चंस हो जाते हैं तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है पजल टेस्ट के अंदर, तो 2 से 3 मिनट दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो स्लो भी करोगे तब भी हो जाता होता है, तो होपफुली बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा, तो कि टू वे टू एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं,
तो नेक्स्ट टाइम एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, देन उसको फिर से एनालाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।